गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, आई होप यू ऑल आर वेल। सो लेट्स बिगिन टू चैप्टर 6 एंड द चैप्टर नेम इज द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 एंड इट्स राइटर इज एल बसर ईस्टर। सो डियर चिल्ड्रेन, वी नो अबाउट बांडा मैडी एंड पैगी इन इट्स फर्स्ट पार्ट। So, we will discuss today the second part of this chapter. आज हम इस chapter का second part जो है वो discuss करेंगे। A letter from Banda's father, Jan Petronsky. इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह बांडा जो है एक स्कूल में पढ़ती है और उसको पैगी और मैडी जो है वो किस तरह बुलिंग करती हैं, किस तरह उसको परेशान करती हैं और जिसके बाद बांडा जो है वो उस स्कूल को छोड़कर चली जाती है। अ लेटर फ्रॉम बांडास फादर जैन पेट्रोंस्की, बांडा के पिता जैन पेट्रोंस्की का लेटर। अ नोट फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस वॉज ब्रॉट टू मिस मैसन वेन शी वॉज टेकिंग द क्लास। अब क्या होता है, एक नोट मीन्स एक नोटिस जो है वो प्रिंसिपल के ऑफिस से आता है मिस मैसन के लिए जब वो क्लास ले रही थी। मिस मैसन रेड इट, मिस मैसन जो है वो उसको पढ़ती हैं एंड लुक्ड ट्रबल्ड। ट्रबल्ड मीन्स पिक्ड ऑन, मीन्स बहुत ज्यादा परेशान होना। मिस मैसन जब उसको पढ़ती हैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। द होल क्लास लुक्ड एट हर व्हेन शी आस्क्ड देम टू पे अटेंशन। द होल क्लास लुक्ड एट हर, पूरा क्लास जो है वो उनको बहुत ज्यादा आश्चर्य से देखता है जब वो उनसे ध्यान लगाने को कहती हैं। शी टोल्ड द क्लास, वो क्लास से कहती हैं दैट शी हैड गॉट ए लेटर फ्रॉम बांडास फादर, कि उन्हें बांडा के पिता का एक पत्र मिला है। शी वॉन्टेड टू रीड द लेटर टू द क्लास, और वो क्लास में ही उस लेटर को पढ़ेंगी। शी स्टार्टेड रीडिंग, वो जो है उस लेटर को पढ़ने लगी। द लेटर विच सेड, जिसमें लिखा था दैट बांडा वुड नॉट कम टू देयर स्कूल एनी मोर, कि अब बांडा जो है वो उनके स्कूल में नहीं आएगी फिर से। देयर फैमिली हैड मूव्ड टू ए बिग सिटी, उनका परिवार मीन्स बांडा की फैमिली जो है वो एक बहुत किसी दूसरे बड़े शहर में चली गई है। इट फर्दर सेड, और पत्र में आगे लिखा था नो मोर पोलर पोलैक। इट ऑल्सो मेन्शनड दैट नाउ नोबडी वुड आस्क हर वाई हर नेम वॉज फनी एंड देयर वर सेवरल फनी नेम्स इन द सिटी। उस पत्र में आगे, उस लेटर में आगे क्या लिखा था कि अब कोई भी पोलैक जो है वो नहीं आएगा। इट ऑल्सो मेन्शनड दैट, और उसमें ये भी लिखा था नाउ कि अब नोबडी वुड आस्क हर, उससे अब कोई भी नहीं पूछेगा वाई हर नेम वॉज फनी एंड देयर वर सेवरल फनी नेम्स इन द सिटी। मीन्स उसके नेम को अब कोई भी मजाक से नहीं बुलाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो जिस शहर में है वहां पर बहुत सारे लोगों के ऐसे ही फनी नेम हैं। द होल क्लास टर्न साइलेंट ऑन लिसनिंग दीज वर्ड्स, और पूरी क्लास जो है वो इन शब्दों को सुनकर पूरी तरह शांत हो गई। देन द टीचर मिस मैसन सैड, और उसके बाद जो उनकी टीचर थी मिस मैसन वो कहती हैं शी न्यू नोबडी फ्रॉम रूम 13 वुड हर्ट अदर्स फीलिंग्स नोइंगली। मैं ये जानती हूं कि कोई भी रूम 13 से कोई भी किसी दूसरे की पर्सनल फीलिंग्स को, मतलब नोइंगली मीन्स जानबूझ करके हर्ट नहीं करता। शी फर्दर सेड, और आगे उन्होंने कहा दैट वॉट एवर हैड हैपेंड वॉज अनफॉर्चुनेट, और उन्होंने ये कहा कि जो कुछ भी यहां पर हुआ वो अनफॉर्चुनेट था। अनफॉर्चुनेट मीन्स बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण। शी विश्ड दैट ऑल ऑफ देम शुड थिंक अबाउट दिस, और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि एक बार सबको इसके बारे में फिर से सोचना चाहिए। मैडी थिंक्स हरसेल्फ ए कॉवर्ड, अब मैडी सोचती है अपने बारे में कि वो क्या है, कायर है। आफ्टर द लेटर वॉज रेड, लेटर को पढ़े जाने के बाद मैडी कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हर स्टडीज, मैडी जो थी बहुत ध्यानपूर्वक अपनी पढ़ाई नहीं कर सकी। शी हैड नॉट ऑब्जेक्टेड टू पैगीज मेकिंग फन ऑफ बांडा, क्यों नहीं कर सकी, क्योंकि उसने कभी भी पैगी जो बांडा की मजाक बनाती थी उसका ऑब्जेक्शन नहीं किया था। हर साइलेंस वॉज वर्स
देन पैगीज मॉकिंग बिहेवियर. अब हर साइलेंस मीन्स वो जो उसने कभी भी पैगी को नहीं रोका, तो जो उसकी साइलेंस थी, जो उसकी चुप्पी थी, वो बहुत ज्यादा खराब थी. देन पैगीज मॉकिंग बिहेवियर, पैगी जो थी, जो उसको बुली करने का बिहेवियर करती थी उसके अगेंस्ट. शी वॉज ए कॉबर्ड, वो कायर थी. पैगी हैड नेवर थॉट, पैगी ने कभी भी नहीं सोचा, दैट शी वॉज डूइंग समथिंग रॉन्ग, कि वो कुछ भी गलत कर रही थी. बट मैडी न्यू इट, लेकिन मैडी जो थी वो ये सब कुछ जानती थी. स्टिल शी डिड नथिंग टू स्टॉप पैगी, फिर भी सब कुछ जानने के बाद भी मैडी ने पैगी को रोकने की कभी कोई कोशिश नहीं की. नाउ शी वॉन्टेड टू मेक अमेंड्स, लेकिन अब क्या था वो, अमेंड्स मीन्स इम्प्रूवमेंट, अब वो अपने अंदर चेंज लाना चाहती थी. शी नो लॉन्गर फेल्ट एफ्रेड ऑफ पैगी, अब क्या है वो आगे से कभी भी पैगी से नहीं डरेगी. शी थॉट ऑफ गोइंग टू बांडाज हाउस एट बॉगिन्स हाइट्स, अब उसने क्या सोचा कि वो बांडा के हाउस जाएगी, कहां, बॉगिन्स हाइट्स में, जहां की बांडा रहती थी. पैगी एंड मैडी विजिट बॉगिन्स हाइट्स, अब पैगी और मैडी जो हैं वो बॉगिन्स हाइट विजिट करने, मीन्स वहां जाते हैं, उनका वहां जाना. पैगी एंड मैडी वेंट टू वॉगिन्स हाइट्स आफ्टर द स्कूल वॉज ओवर, पैगी और मैडी जो हैं वो वॉगिन्स हाइट्स गए स्कूल के खत्म हो जाने के बाद. ऑन देयर वे पैगी टोल्ड मैडी, रास्ते में पैगी मैडी से कहती है दैट शी हैड नेवर कॉल्ड बांडा ए फॉरनर, कि उसने कभी भी बांडा को विदेशी नहीं कहा. शी ऑल्सो डिड नॉट नो, वो ये भी नहीं जानती थी दैट बांडा वॉज हर्ट बाय हर रिमार्क्स, कि बांडा जो है वो उसके शब्दों से क्या हो रही थी, हर्ट हो रही थी. मैडी डिड नॉट से एनीथिंग, मैडी ने कुछ भी नहीं कहा. शी वॉन्टेड टू टेल बांडा दैट, वो बांडा को बताना चाहती थी कि दे वर सॉरी फॉर देयर बिहेवियर, उन्हें अपने बिहेवियर मीन्स अपने जो हम एक दूसरे से करें, अपने बर्ताव के लिए, अपने बिहेवियर के लिए उसे बहुत ज्यादा दुख था. शी वॉन्टेड टू एश्योर बांडा दैट दे वुड बी नाइस टू हर इन फ्यूचर ऑल्सो, और वो बांडा को ये भी एश्योर मीन्स उसको जो थे ये बताना चाहते थे कि इन फ्यूचर भविष्य में वो बांडा के प्रति कभी भी हार्श नहीं होंगे, वो उसके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करेंगे. दे रीच वॉगिन्स हाइट्स, वो वॉगिन्स हाइट्स पहुंचते हैं एंड सो बांडास पॉवर्टी स्ट्रिकन हाउस, और बांडा का जो पॉवर्टी स्ट्रिकन हाउस मीन्स गरीबी से घिरा हुआ मीन्स भरा हुआ जो घर था उसको उन्होंने देखा. द पेट्रॉन्स की फैमिली हैड ऑलरेडी गॉन, जो पेट्रॉन्स की फैमिली थी मीन्स बांडा और उसके पेरेंट्स, जो उनका फैमिली थी वो वहां से पहले ही जा चुके थे. बोथ द गर्ल्स वॉन्टेड टू मेक अमेंड्स, दोनों ही लड़कियां जो थी, अमेंड्स मीन्स इम्प्रूवमेंट, अपने आप में सुधार करना चाहती थी. ऑन देयर वे बैक, और जब वो वापस आ रही थी, पैगी एंड मैडी टॉक्ड अबाउट बांडा, पैगी और मैडी दोनों ही बांडा के बारे में बातें करती रही. पैगी थॉट बांडा गॉट हर आइडियाज अबाउट ड्रेसेस फ्रॉम हर रिमार्क, अब पैगी क्या है, बिकॉज शी वॉज ए वेरी एरोगेंट गर्ल, तो बहुत ज्यादा थी, तो अभी भी वो क्या सोच रही है कि उसने जितने भी रिमार्क्स दिए थे, वो जिस तरीके से भी उसको बुलिंग करती थी उसके कपड़ों के लिए, तो उस उन सारे रिमार्क्स से, उन सारी बातों से ही बांडा ने आइडियाज निकाले अपनी ड्रेस के स्केचेस बनाने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए. मैडी डिड नॉट थिंक लाइक दिस, लेकिन मैडी ऐसा नहीं सोचती थी. मैडीज डिसीजन, अब मैडी ने क्या डिसीजन लिया. मैडी फेल्ड टू स्लीप दैट नाइट, मैडी उस पूरी रात नहीं सो सकी. शी थॉट अबाउट बांडा, वो पूरी रात बांडा के बारे में ही सोचती रही. हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द हाउस शी लिव्ड इन, बांडा जो फेडेड ब्लू कलर का जो फ्रॉक पहनती थी, ड्रेस पहनती थी, उसके बारे में और उसके घर के बारे में जिसमें बांडा रहती थी. शी केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट बांडा, वो लगातार बांडा के बारे में ही सोचती रही. शी टुक अ डिसीजन, तभी उसने एक डिसीजन लिया. शी डिसाइडेड टू स्पीक अप इफ समवन बुलीज अदर्स इन हर प्रेजेंस, अब उसने क्या डिसाइड किया कि अगर उसकी मीन्स मैडी की प्रेजेंस में, उसके सामने किसी दूसरे को कोई भी बुली करेगा, कोई भी ट्रबल करेगा, कोई भी उसको परेशान करेगा, तो वो क्या करेगी, वो नहीं सुनेगी. She resolved that she would never make anybody else that unhappy again. और उसने ये resolved
शी डिसाइडेड, उसने ये बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि इन फ्यूचर वो किसी को भी इस तरह दुखी नहीं होने देगी। मैडी एंड पैगी राइट ए लेटर टू बांडा। अब मैगी और पैडी दोनों मिलकर बांडा को एक लेटर लिखते हैं। मैडी एंड पैगी रोट ए फ्रेंडली लेटर टू बांडा। अब जो मैडी एंड पैगी हैं, उन्होंने बांडा के लिए एक फ्रेंडली लेटर लिखा। दे रोट हर अबाउट द कंटेस्ट दैट शी हैड वन। और उस लेटर में उन्होंने उस कंपटीशन के बारे में लिखा जिसको कि बांडा ने जीता था। दे अप्रिशिएटेड हर ड्रॉइंग्स, उन्होंने उसकी ड्रॉइंग्स मीन्स उसने जो ड्रेस के स्केचेस बनाए थे, डिजाइंस बनाए थे, उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। दे आस्क्ड अबाउट हर न्यू होम, उन्होंने उस लेटर में उसके नए घर के बारे में भी पूछा। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगेंस हाइट्स, और उन्होंने उस लेटर को बॉगेंस हाइट्स में मेल कर दिया। देयर वॉज नो रिस्पॉन्स, लेकिन उस लेटर का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। इट वॉज द क्रिसमस टाइम, क्रिसमस का समय था। द क्लासरूम वॉज डेकोरेटेड, क्लास को खूब सजाया गया था। अ क्रिसमस ट्री एंड क्रिसमस बेल्स वर यूज टू डेकोरेट द क्लासरूम, और उस क्लासरूम को डेकोरेट करने के लिए मीन्स रूम 13 को डेकोरेट करने के लिए क्रिसमस ट्री और क्रिसमस बेल्स का यूज किया गया था। ऑन ऑन द लास्ट डे बिफोर द हॉलीडेज मीन्स छुट्टियों से पहले का आखिरी दिन, द टीचर शोड ए लेटर टू द क्लास, टीचर ने एक लेटर क्लास में दिखाया। इट वॉज बांडा पेट्रॉन्स्की लेटर, और वो बांडा पेट्रॉन्स्की का लेटर था। द लेटर एक्सप्रेस्ड बांडाज फीलिंग्स फॉर द क्लास, इस लेटर के थ्रू बांडा ने अपनी फीलिंग्स जो वो क्लास के जो स्टूडेंट थे उनके लिए रखती थी उसको एक्सप्रेस किया। शी हैड रिटन दैट, उसने उसमें लिखा था द गर्ल्स कुड कीप द 100 ड्रेसेस डिजाइंस बाय हर, कि उस क्लास की जो लड़कियां हैं उसने जो 100 डिजाइंस बनाए हैं ड्रेसेस के उनको वो अपने पास रख सकती थी। शी नाउ हैड 100 मोर ड्रेसेस लाइंड अप इन हर क्लोजेट, क्यों, क्योंकि अब उसकी जो एलमिरा है, क्लोजेट मीन्स एलमिरा जो है, उसमें अब दूसरी 100 ड्रेसेस जो है वो आ चुकी हैं। शी हैड विश्ड दैट द ड्रॉइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस बी गिवन टू पैगी, अब उसकी एक विश, विश मीन्स इच्छा है कि जो ग्रीन कलर की ड्रेस का जो स्केच है, जो ड्रॉइंग है, वो पैगी को दे दी जाए। She also wanted the blue drawing to be given to Maddie, और उसने उसमें ये भी लिखा कि वो चाहती थी, उसकी ये विश है कि जो ब्लू कलर की ड्रॉइंग है, जो ब्लू कलर की ड्रेस का स्केच है, वो मैडी को दे दिया जाए। पैगी एंड मैडी पिन द ड्रॉइंग्स एट होम, अब पैगी और मैडी जो हैं, वो उस ड्रॉइंग्स को मीन्स जो ब्लू और ग्रीन कलर की ड्रेस की डिजाइन जो उन्हें मिली हैं, उसको अपने घर में डेकोरेट करती हैं। पिन मीन्स डेकोरेट करना। आफ्टर द स्कूल पैगी एंड मैडी हेल्ड देयर ड्रॉइंग्स केयरफुली, स्कूल खत्म होने के बाद पैगी और मैडी दोनों ही अपनी अपने जो स्केचेस हैं, जो ड्रॉइंग्स हैं, बहुत ध्यानपूर्वक घर ले जाती हैं। पीपल हैड डेकोरेट देयर होम्स विद क्रिसमस ट्रीज, लोग जो हैं वो अपने घरों को क्रिसमस ट्रीज से डेकोरेट कर रहे थे, किया था उन्होंने। सडनली अचानक पैगी को रियलाइज होता है दैट द ड्रॉइंग्स presented to them was Wanda's way of expressing her feelings. उसको ऐसा महसूस होता है कि जो drawing means जो dress का sketch था, जो design था, जो कि Wanda ने Peggy को दिया था, वो उसकी उसका तरीका था अपनी feelings को express करने के लिए Peggy के प्रति। It showed she had nothing against them. और उससे उसको ये पता चला कि Wanda के मन में पैगी के लिए कुछ भी गलत नहीं था। मैडी पिंड द ड्रॉइंग ओवर ए टॉर्न प्लेस इन द वॉलपेपर इन हर ड्रॉइंग रूम। अब मैडी ने क्या किया, मैडी ने उस ड्रॉइंग को कहां डेकोरेट किया, ओवर ए टॉर्न प्लेस इन द वॉलपेपर, उसके ड्रॉइंग रूम में एक वॉलपेपर लगा था जो कि थोड़ा फट गया था, तो उसको कवर करने के लिए मैडी ने अपनी उस ड्रॉइंग को उसके ऊपर पिन कर दिया, लगा दिया। मैडी लुक्ड एट इट, मैडी जो थी वो उसको बहुत ध्यान से देख रही थी। शी नोटिस्ड द फेस एंड हेड ऑफ द ड्रॉइंग, उसने नोटिस किया उस ड्रॉइंग का फेस, चेहरा और हेड, सर को। द फेस लुक्ड लाइक हर, फेस बिल्कुल उसकी तरह था। शी वेंट टू पैगी, वो जल्दी से पैगी के पास गई। शी टेल्स पैगी, उसने पैगी से कहा दैट बांडा हैड ड्रॉन हर फेस ऑन द ड्रॉइंग, कि बांडा ने
अपनी ड्राइंग में उसका चेहरा इस्तेमाल किया है. द फेस एंड द हेड इन द ड्राइंग वाज रियली लाइक पैगी. और उस ड्राइंग में जो फेस और जो हेड है वो बिल्कुल पैगी के जैसा था. इट मेड देम बिलीव. और इस चीज ने उनमें ये विश्वास दिला दिया दैट वांडा लाइक्ड देम वेरी मच, कि वांडा उनको बहुत ज्यादा पसंद करती थी. बोथ द गर्ल्स मिस्ड हर, दोनों ही लड़कियां उसको बहुत ज्यादा याद करती हैं. एंड फेल्ट हर एब्सेंस, और उसकी एब्सेंस को मीन्स क्योंकि अब वो उसके पास नहीं थी तो उसकी एब्सेंस को महसूस करती हैं. सो डियर चिल्ड्रेन, दिस वॉज द समरी ऑफ योर दिस चैप्टर. आई होप यू विल एंजॉय इट. गॉड ब्लेस यू.